हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 कप इडली रवा ले लेंगे। इसकी जगह आप सोना मसूरी राइस या फिर बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं। और 1/2 कप बिना छिलके वाली उड़द की दाल। आप दाल को अच्छे से धो के भिगो दीजिए और इडली रवा को भी हम भिगो देंगे कम से कम 6 से 8 घंटा और ओवरनाइट। ये हमने जो राइस और दाल भिगोई थी ये अब अच्छे से भीग चुके हैं, इनको 6 से 8 घंटे हो गए। तो अब इन दोनों को अलग अलग पीस के, अच्छा सा बारीक पीस के हम इनको मिक्स कर देंगे और फिर ओवरनाइट या फिर 10 से 12 घंटे कम से कम इनको खमीर उठने के लिए यानी कि फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे इडली रवा और दाल को अच्छे से बारीक पीस लिया है। देखिए एकदम बारीक पेस्ट में इसको पीस लीजिए और अब हम इसको ढक के 12 से 14 घंटे या ओवरनाइट रख देंगे। ये देखिए हमारी इडली का बैटर अब तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना फूल गया है रात भर में। इसका मतलब ये अब बिल्कुल रेडी है इडली बनाने के लिए। यहाँ जो ये गोल लिया है इसमें आप एक दूसरे बर्तन में ले लीजिए, उतना ही लीजिए जितना हम एक बार में बनाएंगे। अब ये जो हमने अलग इडली का गोल निकाला है इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे और इसको हमको सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है। और ये बहुत ही थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 3-4 टेबल स्पून के आसपास और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक साइड हम ऐसे इडली का कुकर लेके उसमें पानी भर लेंगे और उसको गर्म होने देंगे और दूसरी साइड हम इडली के सांचे को हल्का सा तेल से ग्रीस कर देंगे। अब हमने ये जो गोल लिया है ये अब इन सांचों में भर देंगे। ये हमने सब भर दिए हैं इडली के सांचे, तो अब हम इसको, ये जो कुकर गर्म किया था इडली का कुकर, इसमें अच्छे से रख देंगे। अब इसको हम ढक के 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये 15 मिनट हो चुके हैं तो हमने इडली कुकर खोल लिया है। देखिए इडली अच्छे से फूल गई है, मतलब ये तैयार हो चुकी है। तो आप ये सांचा निकाल के इडली को ठंडा होने दीजिए। ये हमारी इडली बन के तैयार हो चुकी है। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो आप चम्मच की सहायता से इससे इस तरह से निकालिए और गर्मा गर्म इडली इंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।